हेलो फ्रेंड्स, फ्रेंड्स अगर आप एसएसबी, एसएससी, सीजीएल या किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारी ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होगी। दोस्तों आज की इस वीडियो हम बात कर रहे हैं करंट अफेयर्स ऑफ 4th सितंबर। तो दोस्तों करंट अफेयर्स आपके एग्जाम का बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन रहता है, तो वीडियो को मिस ना करें। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज का पहला क्वेश्चन है, हु अप्रूव्ड हिंदी, डोगरी एंड कश्मीरी टू बिकम ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। आपको बताना है हिंदी, डोगरी, कश्मीरी को किसने ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया जम्मू एंड कश्मीर के। ऑप्शन से आपके पास पीएम, यूनियन कैबिनेट, प्रेसिडेंट या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो इसका जो सही आंसर है वो है यूनियन कैबिनेट। दोस्तों याद रखें कि इसमें जम्मू एंड कश्मीर के 5 ऑफिशियल लैंग्वेज बनाए गए हैं जिनमें उर्दू, हिंदी, डोगरी, इंग्लिश और कश्मीरी हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच कंट्री कंस्ट्रक्ट मिसाइल साइट एट कैलाश मानसरोवर। आपको बताना किस मुल्क ने कैलाश मानसरोवर के नज़दीक मिसाइल साइट बनाई है। ऑप्शन से आपके पास रशिया, नेपाल, इंडिया या फिर चाइना। तो इसका जो सही आंसर है वो है पार डी, दैट इज चाइना। डिटेल्स नीचे दी गई हैं तो वीडियो को पॉज करके अच्छे से पढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड कोकोनट डे 2020 इज ऑब्जर्वड ऑन विच डे। आपको बताना है वर्ल्ड कोकोनट डे कब मनाया जाता है। ऑप्शन है आपके पास 31st of August, 4th of September, 2nd of September या फिर 1st of September। तो इसका जो सही आंसर है वो है पारसी, दैट इज 2nd of September। नेक्स्ट डिटेल्स दी गई हैं तो पढ़िएगा। विच मिल्क डेयरी बिकेम फर्स्ट इंडियन डेयरी कंपनी टू एंटर रेबोबैंक्स ग्लोबल टॉप 2020 लिस्ट। ऑप्शन से आपके पास अमूल, मदर डेयरी, गोपाल जी या फिर मिल्क इंडिया। तो इसका जो सही आंसर है वो है पार्ट ए, दैट इज अमूल। हु टुक द एडिशनल चार्ज एज सीएमडी ऑफ बीपीसीएल। आपको बताना है किसने एडिशनल चार्ज लिया चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ बीपीसीएल यानी भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड का। तो ऑप्शन से आपके पास डी के राजदान, डी राजकुमार, एल सी गोयल या फिर के पद्माकर। तो इसका जो सही आंसर है वो है पार डी, दैट इज के पद्माकर। बाकी डिटेल्स नीचे दी गई हैं तो अच्छे से पढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च्ड क्लीनलीनेस कैंपेन गंदगी भारत छोड़ो। आपको बताना है गंदगी भारत छोड़ो कैंपेन किस रियासत ने चलाया। तो इसका जो सही आंसर है वो है पार्ट ए, दैट इज एमपी यानी मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल स्मॉल इंडस्ट्री डे वॉज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डेट। आपको बताना है नेशनल स्मॉल इंडस्ट्री डे किस दिन मनाया गया। ऑप्शन से आपके पास 28 अगस्त, ये यहाँ पर है 30 अगस्त, 1st सितंबर या फिर 3rd सितंबर। तो इसका जो सही आंसर है वो है पार्ट बी, दैट इज 30th of August। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु रैंकड एज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सोलर पावर जनरेशन कंपनी बाय मर्काउन कैपिटल। आपको बताना है मर्काउन कैपिटल ने किसको दुनिया की सबसे बड़ी सोलर पावर जनरेशन कंपनी रैंक किया। तो इसका जो सही आंसर है वो है पार्ट ए, दैट इज अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु गेट्स 1 ईयर एक्सटेंशन इन हिज टेन्योर एज सीएमडी ऑफ आईटीपीओ। आपको बताना है वो कौन है जिनको 1 साल मजीद दिया गया है चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर आईटीपीओ के। तो इसका जो सही आंसर है वो है पार्ट बी, दैट इज एल सी गोयल। बाकी डिटेल्स नीचे दी गई हैं, अच्छे से पढ़िएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु लॉन्च्ड ग्रीन टर्म अहेड मार्केट। आपको बताना है ग्रीन टर्म मार्केट अहेड यानी GTAM किसने लॉन्च किया। तो इसका जो सही आंसर है वो है पार्ट ए, दैट इज राज कुमार सिंह। बाकी डिटेल्स नीचे दी गई हैं, वीडियो को पॉज करके अच्छे से पढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु बिकेम द फर्स्ट वुमेन डीजी ऑफ ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी। आपको बताना है कौन पहली औरत डीजी बनी ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी की। तो इसका जो सही आंसर है वो है पार्ट बी, दैट इज उषा पढ़ई। द 51st एडिशन ऑफ इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया विल बी हेल्ड इन विच स्टेट यूटी फ्रॉम 20 to 28। आपको बताना है 51वां इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल किस रियासत में होने वाला है। ऑप्शन से आपके पास गोवा, श्रीनगर, कोलकाता या फिर दिल्ली। तो इसका जो सही आंसर है वो है पार्ट ए, दैट इज गोवा में होने वाला है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द कॉमनवेल्थ क्रिकेट? आपको बताना है कॉमनवेल्थ क्रिकेट बुक का ऑथर कौन है। ऑप्शन है आपके पास एम एस धोनी, हाशिम आमला, ई डी स्मिथ या फिर रामाचंद्रा गुहा। तो इसका जो सही आंसर है वो है पा डी रामाचंद्रा गुहा। बाकी डिटेल्स नीचे दी गई हैं तो अच्छे से पढ़िएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल द वन एंड ओनली स्पार्केल? आपको बताना है किसने ये किताब लिखी है द वन एंड द ओनली स्पार्केल। ऑप्शन है आपके पास टॉम हैंकिस, बेन एफ्लेक, चैनिंग टेटन या फिर लेना दुनहम। तो इसका जो सही आंसर है वो है पार्सी, दैट इज चैनिंग टेटन। बाकी जो नीचे डिटेल्स हैं तो अच्छे से पढ़िएगा। तो दोस्तों इसी के साथ मैं आज की वीडियो को करता हूं एंड। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ शेयर जरूर करें। दोस्तों मुझे आपकी सपोर्ट की जरूरत है, तो सपोर्ट के लिए आप इस वीडियो को फेसबुक या व्हाट्सएप पर अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं कल एक नए वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।